नमस्कार, टीएनपी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरजू दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और खबरों की ओर चलेंगे। भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा शिव के रंग में रंगी हुई दिखाई दी। महाशिवरात्रि पर्व के मौके पर धर्म नगरी मथुरा भोलेनाथ के जयकारों से गूंज उठी। सुबह से ही मंदिर में भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। भूतेश्वर महादेव मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। पैदल यात्रा कर हजारों कांवड़िए भूतेश्वर महादेव मंदिर में गंगा जल चढ़ाकर पूजा अर्चना करने में जुटे हैं। शिवरात्रि पंडव विवाहिता की तरफ से कलश चढ़ाने की प्रथा है। कई स्त्रियां अपनी श्रद्धा के मुताबिक भगवान शिव को खुश करने की इच्छा से कलश चढ़ाती हैं। सभी अवगत है, आज महाशिवरात्रि का पावन वर्ष है। ब्रजभूमि की इस पावन धरती पे जनपद के तथा बाहर से काफ़ी संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक करने के लिए विभिन्न शिव मंदिरों में आते हैं। जैसे आज हम यहाँ उपस्थित हैं श्री भूतेश्वरनाथ महादेव मंदिर में, यहाँ भी काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आए हैं। इनकी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। भगवान श्री भूतेश्वर महादेव की जय। और महाशिवरात्रि का जो पर्व है वो सनातनियों के लिए, हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा पर्व माना गया है। साल में एक बार आती है महाशिवरात्रि, और इस दिन महादेव और शिव पार्वती का विवाह हुआ था। उसके पश्चात देख सकते हैं आप भूतेश्वर महादेव पे, ये ब्रज के कोतवाल है और केदारनाथ जी की उपलिंग है। और केदारनाथ की उपलिंग होने के साथ साथ ये कात्यायनी शक्तिपीठ के भूतेश भैरव भी है। और आज के दिन इन पर भक्तों का काफ़ी उत्साह है, और भूतेश्वर महादेव पर लाखों श्रद्धालु आ रहे हैं और लगातार जल चढ़ा के वापस अपने घर के लिए जा रहे हैं, और लाखों हजारों कांवर आने की आज संभावना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जन सैलाब उमड़ा है, लोगों में भीड़ बहुत उमड़ी है, और हमने नगर निगम की तरफ से बैरिकेडिंग की व्यवस्था जैसे की थी, साफ़ सफाई की व्यवस्था सुदृढ़ है, पानी के टैंकर्स हैं, भंडारे भी लगाए गए हैं, और पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग नगर निगम प्रशासन कर रहा है। फागुन के महीना का जो महाशिवरात्रि पर्व है इसको तो लाते हैं हम रामघाट से, और सावन के महीना में लाते हैं हरिद्वार हर की पैड़ी से, और भूतेश्वर महादेव पर चलाते हैं, फिर अपने गाँव में छठीला चलाते हैं। तो कितनी बार आप इस कांवर को लेके आ चुके हैं अभी तक, और ये कौन सी कांवर आपने इस बार चढ़ाई है? ऐसा है, ये मेरी 35वीं कांवर है। पहले कंदावाली लाता था, अब उसमें परेशानी आने लगी तो ये रथ बना लिया है। 35वीं कांवर ये है, और 24 कांवर मेरी हरिद्वार की हो गई। भूकंप प्रभावित तुर्की में 10 दिन ऑपरेशन दोस्त के जरिए प्यार और अपनापन का पैगाम देकर एनडीआरएफ टीम वापस लौट आई। टीम के 47 सदस्य समेत डॉग स्क्वाड के रेनबो हनी का हिंडन हवाई अड्डे पर शानदार स्वागत हुआ। वहीं तुर्की ने फिर धन्यवाद कहा। राष्ट्रीय राजधानी स्थित तुर्की दूतावास ने मदद के लिए भारतीय मित्रों का आभार जताया। यूपी के पीलीभीत में एक मैरिज हॉल में धर्मांतरण का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक ईसाई मिशनरी के कुछ लोग हिंदुओं को धर्म परिवर्तन कराने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था, जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद की शिकायत पर पहुंची पुलिस ने धर्म परिवर्तन कार्यक्रम को रोका। इस पूरे मामले में पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। सूचना मिली थी, कुछ संगठनों द्वारा बताया गया था कि वहाँ थाना बीसलपुर में कम्युनिटी सेंटर में धर्मांतरण कराया जा रहा है कुछ लोगों द्वारा, इसमें वहाँ के लोगों को इकट्ठा करके, जिसमें कि मेरे द्वारा निर्देशित करने पर थाना बीसलपुर द्वारा वहाँ पहुँचकर इसको वहाँ पर जांच की गई, और वहाँ पर जो भी इसमें लोग थे उनको बुलाकर थाने पर उनसे पूछताछ की गई। इसमें एक अभियोग भी पंजीकृत किया गया है, और इसमें वहाँ से साक्ष्य संकलित कर लिए गए हैं, और आगे भी साक्ष्य संकलन की कार्रवाई जारी है, जिसमें जो भी इसमें निकल के आएगा उसके हिसाब से हम लोग, अगर इसमें कोई भी अभी तक जो प्रथम दृष्टया हम लोगों ने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की है उससे इसमें अभी तक इस तरह की कोई बात निकल के नहीं आई, फिर भी हम लोग जो लोग वहाँ पर मौजूद थे जो उन लोगों से पूछताछ की जा रही है, अगर किसी के भी द्वारा इसमें ये बताया जाता है कि उनके द्वारा उनको जबरदस्ती या किसी प्रलोभन देकर उनका धर्मांतरण किया जा रहा था, या फिर हमें इस तरह के साक्ष्य किसी और कहीं और से मिलते हैं, तो हम लोग इसमें उन जो भी लोग इस कृत्य को कर रहे हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हम करेंगे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। जुड़े रहिए टीएनपी न्यूज के साथ।